अगर आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना है, हमेशा के लिए बंद करना है, आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम पर आपका अकाउंट कोई सर्च करे तो उसे शो ही ना करे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब इंस्टाग्राम अपडेट हो चुका है, आप डिलीट करना चाहोगे तो डिलीट का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने का लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने के लिए प्रोफाइल वाले सेक्शन में आएंगे। इसके बाद मेनू बार पर क्लिक करेंगे, यहाँ सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। हेल्प पर क्लिक करने के बाद हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। ऊपर राइट साइड में थ्री डॉट का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, वीडियो को स्किप करके अकाउंट डिलीट करने चले जाएंगे, लेकिन नहीं कर पाओगे जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे। तो अब डिलीट योर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टेम्परेरी डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मुझे तो परमानेंटली डिलीट करना है तो टेम्परेरी क्यों बता रहे हो, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ अकाउंट परमानेंटली ही डिलीट होगा। यहाँ पर इंस्टाग्राम ने मिस्टेक किया है, परमानेंटली डिलीट का लिंक टेम्परेरी वाले ऑप्शन में डाल दिया है, तो ये इंस्टाग्राम का मिस्टेक है, हम क्या ही कर सकते हैं। तो टेम्परेरी डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, इसी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एंड्रॉइड ऐप हेल्प के बगल में एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ मोबाइल ब्राउजर हेल्प पर क्लिक करेंगे। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा है डिलीट योर अकाउंट, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है, लेकिन कुछ लोग को टेम्परेरी डिलीट करना होता है, तो उनके लिए यहाँ पर टेम्परेरी डीएक्टिवेट का लिंक है, इस पर क्लिक करके टेम्परेरी डिलीट कर सकते हैं। टेम्परेरी डिलीट का मतलब होता है कुछ लोग इंस्टाग्राम से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन होता है, लेकिन हम यहाँ पे परमानेंटली डिलीट करने का तरीका बताएंगे। इसके लिए इस एरो पे क्लिक करके आपको कोई एक रीजन सेलेक्ट करना होगा कि आप अकाउंट को डिलीट क्यों करना चाहते हो। तो यहाँ मैं समथिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड इंटर करना है, तो पासवर्ड इंटर करने के बाद नीचे डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, लेकिन डिलीट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट 30 दिनों के बाद पूरी तरह से डिलीट होता है, क्योंकि ये इंस्टाग्राम का रूल है। इंस्टाग्राम आपके डेटा को 30 दिनों तक संभाल के रखता है। इस 30 दिनों के अंदर अगर आपने गलती से भी अकाउंट को लॉगिन कर दिया तो परमानेंटली डिलीट का प्रोसेस वहीं पर स्टॉप हो जाएगा और आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। तो अगर आपको हमेशा के लिए अपने अकाउंट को डिलीट करना है तो 30 दिनों तक लॉगिन मत करना, लेकिन आज से ही आपका अकाउंट लोगों को दिखना बंद हो जाएगा। तो पासवर्ड इंटर करने के बाद नीचे डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अकाउंट फाइनली डिलीट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।